माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राजगढ़ जिले में भी जारी है महाअभियान। अवैध मादक पदार्थ रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर 1 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा एवं घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रक को जब्त करने में मिली सफलता। पुलिस टीम ने मादक पदार्थ सहित 15,15,000 रुपए का मशरूका किया जब्त। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश सहित राजगढ़ जिले में भी नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार की जा रही कार्यवाही। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा अवैध मादक पदार्थों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री मन कामना प्रसाद के निर्देशन में व SDOP खिलचीपुर श्री आनंद राय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जीरापुर उप निरीक्षक मुकेश गौड़ द्वारा अभियान के तहत मादक पदार्थ संबंधी अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने में सफलता प्राप्त की। थाना जीरापुर में उप निरीक्षक तोरण सिंह को दिनांक 7/10/2022 को शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। सुसनेर की ओर से एक ट्रक क्रमांक PB10ES9295 नंबर का आ रहा है, जिसमें उसका ड्राइवर मादक पदार्थ डोंडा चूरा लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर उप निरीक्षक तोरण सिंह के द्वारा सुसनेर रोड पर जाकर आने वाले ट्रक की तलाशी ली, तो ड्राइवर के पास केबिन में 1.5 किलो डोंडा चूरा अफीम का होता है, मादक पदार्थ के रूप में आता है, वो जब्त किया गया। उक्त जब्ती करने के पास आरोपी गिरफ्तार किया गया और वो ट्रक जब्त किया गया। अपराध क्रमांक 422/22 धारा 8/15 NDPH का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को जेल भेज दिया गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।